हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टॉप एकता ब्लॉग। मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है क्योंकि मैंने पहले मेरे चैनल का नाम था वन स्टॉप एकता और अब हो गया है वन स्टॉप एकता ब्लॉग्स, क्योंकि मैं ज़्यादा ब्लॉग्स की वीडियो डालती हूँ और इसलिए फिर मैंने अपना चैनल के नेम के पीछे ब्लॉग्स लगा दिया है। तो अभी टाइम हो चुका है, 11 बज चुके हैं और ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है और गौतम भी जा चुके हैं शॉप पे और अम्बी मैडम ने सिर्फ अभी तक दूध ही पिया है और वो टीवी देख रहे। शायद आप लोगों को वॉइस भी आ रही होगी और अपनी ड्रेसेस वगैरह निकाल रही है, अभी उसने नहाना है। तो तब तक, जब तक वो रेडी होती है तब तक हम लोग अपने घर का काम कर लेते हैं। तो मिलते हैं फिर हम उसके बाद आपके साथ। तो फ्रेंड्स, अभी घर का कोई काम नहीं हुआ है और ये टेडी बियर मैंने इसलिए यहाँ रखा है क्योंकि ये अनवी मैडम जो है इसके ऊपर बैठती है, कभी कुछ करती है तो ये यहाँ से सिलाई निकल गई है। तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पे सोफे पे रखा है क्योंकि इसको मुझे स्टिच करना है, नहीं तो ये सारे का सारा फट जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ से भी ना सिलाई निकले। ये शायद एक बार मैंने सिला भी है बट फिर से वो ऊपर इसके जंप लगाती है, इसके ऊपर लेट जाती है, फिर कई बार तो इसको पिल्लो के जैसे यूज़ करती है। तो अब मुझे वो ये ठीक करना है। तो फ्रेंड्स, घर हो चुका है बिल्कुल क्लीन, आप नीचे फ्लोर भी देख सकते हैं, सारा साफ हो चुका है। अनवी मैडम नहा रही है तो उसने अपना नाइट सूट भी देखो कैसे बिखेरा है और इसको भी अभी उठाना है और अनवी को भी रेडी करना है। और किचन भी ऑलमोस्ट हो गया है साफ, अब मुझे बस ये टैब सारी क्लीन करनी है। तो इनको मैं रोज़ ही एक सूखे कपड़े से ना क्लीन कर देती हूँ जब हमारे सारे बर्तन साफ़ हो जाते हैं यहाँ से, तो इनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इनको क्लीन नहीं करेंगे तो इसके ऊपर ना पानी के निशान पड़ जाते हैं, तो इतनी गंदी हो जाती हैं और थोड़े टाइम में ही फिर इनकी सारी शाइनिंग ख़त्म। और फिर हम लोग ब्लेम करते हैं कि हाँ भी दुकानदार ने हमें घटिया प्रोडक्ट दिया है। तो जितनी महंगी से महंगी आप लोग टैप लगवा लो उससे कुछ नहीं होता है, क्लीन आपको करनी पड़ेगी रोज़ के रोज़। क्लीन करोगे तभी वो उनकी लाइफ लंबी होगी, नहीं तो फिर महंगी की महंगी वाली भी जो टैप है ना वो सारी आप लोगों की देसी लगेंगी। तो हम लोगों ने तो कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं लगवाई हैं, अपनी जेब के हिसाब से ही लगवाई हैं हम लोगों ने टैप, बट फिर भी इनको भी क्लीन करना पड़ेगा। लाइफ तो इनकी लंबी इसीलिए होगी जब इनको हम अच्छे से क्लीन करेंगे। तो इनको हम अब क्लीन कर लेते हैं। मैं वैसे इनको रोज़ क्लीन करती हूँ तो ज़्यादा मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ेगी। अब बाहर की टैप का डिफरेंस भी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, जो बाहर हमारी टैप्स है वहाँ पे मैं क्लीन नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वो कम यूज़ होती हैं। तो इन टैप्स को आप देख लो और जो बाहर की होंगी उनका डिफरेंस देखना आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, ये बाहर की टैप्स हैं और इनको मैं रोज़ क्लीन नहीं कर पाती हूँ, तो ये देखिए कैसी हो गई हैं। तो इनको आज हमने क्लीन करना है और सोच रही हूँ कि एक दो दिन के बाद इनको क्लीन कर लिया करें। ये देखिए ऐसे हाथ फेर रहे हैं ना तो कैसे ये शाइन करने लगे हैं थोड़ी थोड़ी। ये देखिए, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें इनको साफ़ करने के लिए कुछ प्रोडक्ट ही यूज़ करने हैं जो मार्केट में मिलते हैं। तो आप सिंपल इसको इनको सूखे कपड़े से भी आप अगर रोज़ क्लीन कर लेना तो इनके ऊपर निशान नहीं पड़ेंगे ऐसे। हम लोग जब ये परचेजिंग करने जा रहे थे ना इनकी टैप्स की, तो वहाँ पे शॉपकीपर पे ना वहाँ पे ऐसी टैप्स पड़ी हुई थी जो ख़राब हो चुकी थी। तो हम लोगों ने
पूछा कि ये क्यों ख़राब हो गई हैं ऐसे, तो उन्होंने बोला कि अगर आप लोग साफ़ ही नहीं करोगे तो ये ऐसे ही होंगी, क्लीन तो करना पड़ेगा इनको, तभी ये शाइन करेंगी। ये देखिए अब कितना फ़र्क आ गया इनमें, ऐसे ही सिंपल ऐसे कपड़े से ही फेरने से ना कितना फ़र्क आ गया। देखिए एक ही दिन में कितना फ़र्क आ गया इनमें, अगर इनको रोज़ हम लोग ऐसे साफ़ करें ना तो ये भी अच्छे से चमकने लगेंगी। अभी भी है यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये देखिए ये भी है यहाँ पे, ये किनारों पे देखिए कैसे ख़राब होने लगी थी ना, ये देखिए इसकी पॉलिश ख़राब होने लगी। यही रीज़न है कि जब ये ख़राब हो जाती हैं और हम ब्लेम लगाते हैं दुकानदारों पे। आज मॉर्निंग के टाइम ही मैंने नुकसान कर दिया, ये मेरा डिनर सेट है, मेरा शादी का डिनर सेट है ये, जो मेरी मम्मी ने दिया था, और ये प्लेट यहाँ से सीधा नीचे, तो इसका ये हाल हो गया है। तो अभी इसको भी फेंकना है, दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा बहुत ही प्यारा सेट था मेरा ये। हमारे ये आ चुके हैं सिंह साहब जी नहा के आ गए। इस मैडम ने रोज़ अपने हेयर वॉश करने, कल अभी मैंने ऑयलिंग की है, बट ये शावर के साथ नहाती है और रोज़ इसने हेयर वॉश करने हैं अपने, जैसे कि पता नहीं कहाँ की हीरोइन है, कहाँ की हीरोइन है तू है। अब देख ऐसे ही फटता है ये, अब इसकी गर्दन भी तोड़ देना, ठीक है। बेचारा तो रो रहा होगा कि किसके हाथों में आ गया हूँ मैं। बोल अब क्या खाना है तूने, हैं? नहीं रो रहा, रो रहा होगा, उसकी बाजू तो तोड़ दी तूने। क्यों ये फट तो गई है, ये देख फट गई है, ये यहाँ से फटी है। आप ये निकाल के और फाड़ दो। अच्छा मैं फाड़ दूंगी, वेरी गुड। अब इसको यहीं पे रहने दे, मैं सिल देती हूँ। खोल अब टावल अपना। तो अभी इवनिंग का टाइम हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कम वम की है, थोड़ा रेडी हुई हूँ, क्योंकि हमारा प्लान बन चुका है मम्मी के घर, अनवी के नानी के घर, जो कि लोकली रहते हैं। तो पता हम लोग नहीं कहाँ जा रहे हैं हम लोग, और मम्मा बोल रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं कपड़े लेने मम्मा के लिए। तो आप लोगों को मम्मी के घर जाके पता चलेगा कि क्या करने गए हैं हम लोग वहाँ पे। वैसे कोई ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है, बट फिर भी जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं मम्मी के घर, और मम्मी के घर इसलिए आए थे क्योंकि मम्मी दे रही है मुझे और मेरी भाभी को सूट तो उसमें मुझे चॉइस करनी है, तो ये पड़े हैं हमारे सूट। तो अभी मैं वो सूट हैं जो हम लोग लेके आए हैं, मींस कि मैं नहीं लेके आई हूँ, जो मम्मी और भाभी लेके आए हैं, तो इनमें से मुझे चॉइस करना है कि मैं कौन सा लूँगी। पहले हम लोग देख लेते हैं, तो ये देखते हैं कौन सा मेरे पे अच्छा लगेगा। कॉटन के हैं सारे सूट, और इसका दुपट्टा है लंबा कर दा, लंबे च एदा पूरा नहीं ना दिखता। सोना लग रहा दी, इदा दूसरा शेड भी बड़ा सोना सी। क्या सी? पर ना फेंट होने का डर, क्योंकि कॉटन का है ना, तो फेंट होने का ज्यादा डर रहा। चल दी मैं तुसी एडिट करनी है। सी ग्रीन भी नहीं है, हाँ। और थर्ड सूट है ब्राउन कलर, इसका दुपट्टा माशाल्लाह
सारा प्रिंट है ये हाँ, दुपट्टा इतना मजेदार, मजा आ गया। और चौथा सूट है ये, इसका कलर भी कौन मिलेगा, लाइट कलर है ये। ये इसका दुपट्टा और ये इसका बॉटम, क्या खोलना है ये तो मैंने लेना नहीं है तो इसको क्या खोल, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। गुड मॉर्निंग, तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और कल से मेरा ब्लॉग स्टार्ट है, तो पता नहीं क्यों एक दिन में मैं ब्लॉग नहीं कर पाती हूँ, तो आज इसका मैं एंड करूँगी। तो कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मैं अचानक से मम्मी के घर गई और वहाँ पे मैंने सूट्स वगैरह आप लोगों को दिखाए हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं आज मैं मतलब कि कौन सा सूट सिलेक्ट करके लेके आई हूँ उन सब सूट से, तो बताती हूँ मैं और आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। तो मैंने ये फर्स्ट सूट, ये वाला सूट लिया है, तो इसको मुझे अब स्टिच करने देना है, तो एक दो दिन में मैं जाऊंगी और इसको स्टिच करवाने के लिए देके आऊंगी। तो ये वाला मैंने सूट लिया है, तो ऐसा कलर भी नहीं था मेरे पास और सिंपल और सोबर चाहिए थे हमें रेगुलर डालने के लिए कि जैसे मार्केट वगैरह में भी ये अच्छे लगे, तो इसलिए हम लोगों ने ये सिंपल से सूट लिए हैं। तो बताना आप लोग कि हाँ भी आप लोगों को ये सूट कैसा लगा, बाकी के सूट भी बहुत सुंदर थे और इतना सॉफ्ट कपड़ा है ना सब सूट का, सब सूट वैसे मेरे को पसंद थे बट सब तो ले नहीं सकती, तो ये वाला सूट मैंने लिया है, तो सोचते हैं कि अब इसका क्या बनवाना है। तो अभी बस आज मैं अपना ब्लॉग बस यहीं पे एंड करूँगी और आज मुझे इन बालों का भी कुछ करना है, ये इतना ड्राई हो चुके हैं और मैंने मैं कभी भी अपनी केयर नहीं करती हूँ ज़्यादा, ना कभी मैं पार्लर वार्लर जाती हूँ, ना कभी स्पा वा लेती हूँ, कुछ भी नहीं मैं करती हूँ। तो आज मैंने कुछ नया सोचा है कि शायद मैं भी ये चीज़ अगर ट्राई करूँ तो क्या पता मेरे बालों का भी कुछ अच्छा सा हो जाए, क्योंकि केयर नहीं करते हैं तो बहुत ही गंदे से हो गए हैं मेरे बाल। तो जैसे कि मैं, सब लोग बोलते हैं कि इस पर कर्ल लगाओ बालों में, एग लगाओ, एग तो हम लोग नहीं खाते हैं, तो मैं आज सोच रही हूँ कि आज मैं कुछ इन पे ट्राई करूँगी और आज मैं एग लगाने का कर्ल लगाने का सोच रही हूँ इन पे, कि मैं थोड़ा सा कर्ल लगा के देखती हूँ। तो इसका रिजल्ट मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी कि कर्ल लगाने से एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, ड्राइनेस दूर होती है बालों में, सॉफ्टनेस आती है कि नहीं आती है। तो नेचुरल प्रोडक्ट है, इसका कोई वो भी नहीं है, साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, तो देखते हैं लगा के क्या बनता है। तो मुझे अभी अपने बालों में भी कुछ ये कर्ल लगाना है और मशीन मेरी चल रही है बाहर वॉशिंग एरिया पे, तो कपड़े धुल रहे हैं, तो घर की हालत भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इस टाइम सारा घर अस्त व्यस्त हो चुका है और जब क्लीन हो जाता है तो कितना अच्छा लगता है और जब रात होते होते घर की हालत क्या हो जाती है। ये देखिए मेरा घर कैसे अस्त व्यस्त हो रखा है, ये देखिए सब चीज़ें टेबल पे, सोफे पे, ये सब, तो ये सब भी मुझे अभी क्लीन करना है। तो आज अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना है घर के साथ साथ। तो अपने ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर कर दें अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो। तो बाय बाय, टेक केयर।